देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की नगर निगम ने की टाउन वेंडिंग को लेकर बैठक। रुड़की नगर निगम सभागार में नगर निगम आयुक्त द्वारा एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नगर निगम के अधिकारी और रुड़की एसडीएम के साथ अमरजीत सिंह और यातायात अधिकारी विपेंद्र आदि मौजूद रहे। इस मीटिंग में कुछ बिंदुओं पर एसडीएम रुड़की द्वारा कुछ चर्चा की गई और एसडीएम रुड़की द्वारा नो वेंडर जोन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस टाउन वेंडिंग मीटिंग में हरिद्वार से रुड़की शामिल होने पहुंचे लघु व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चोपड़ा अपने वेंडर साथियों के साथ नगर निगम में नारे लगाते दिखाई दिए। दरअसल संजय चोपड़ा का कहना था कि इस मीटिंग का समय 11 बजे का था और हम लोग समय पर मीटिंग में शामिल होने नगर निगम सभागार में पहुंच गए, लेकिन 12:30 बजे तक भी नगर निगम का कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचा, जिससे नाराज होकर 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद संजय चोपड़ा वहां से बिना मीटिंग में शामिल हुए वापस लौट गए। वहीं कुछ ही देर बाद रुड़की एसडीएम के नगर निगम सभागार पहुंचने पर यह मीटिंग शुरू कर दी गई और 11 बजे का इसमें समय था। देखेंगे आप 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे तक कोई अधिकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, ना नगर आयुक्त हैं, ना सहायक नगर आयुक्त हैं, ना यहां पर जो है मजिस्ट्रेट है। तो मैं समझता हूं ये सरकार का जो कानून है, राज्य फेरी जो एक्ट है, इसका क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, इसका क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यहां से 10 से 11 हज़ार स्ट्रीट वेंडर रुड़की में जो रेड़ी पटरी लगाकर अपना कारोबार करता है, उसको भारत सरकार राज्य सरकार का संरक्षण देना है। संरक्षण तो दूर की दूर है। आप देखेंगे 11 बजे की मीटिंग थी, 12:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे तक लोग जाएँ झकमराते रहेंगे, 1.5 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही है, शासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की लापरवाही अगर चलेगी तो मैं समझता हूँ ये वेंडर कानून तो कभी उत्तराखंड के अंदर तो क्रियान्वयन हो ही नहीं सकता। ये मीटिंग किसके द्वारा रखी गई थी? ये नगर आयुक्त के महोदय के माध्यम से रखी गई थी। ये एजेंडा है और ये बिंदु थे इसमें। ये सोलानी पार्क है, बुद्ध बाजार है और इसमें जो है वेंडिंग जोन बनने थे, रेलवे स्टेशन वाला वेंडिंग जोन, गणेशपुर का वेंडिंग जोन और तमाम जो है अतिक्रमण के संबंध में ये बैठक बुला रखी थी। और इसमें आप देखेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे मीडिया कर्मी भी लगभग 11 बजे के यहाँ पर मौजूद हैं और 12:30 बज गए, कुछ दुख है, कोई तरीका नहीं है इस चीज़ का। और आज हमने जो है इस बात को लेकर जो है अब क्या करेंगे 12:30 बजे उसके बाद में बैठने के बाद में, लिहाजा जो है हमने जो है बैठक का जो है बहिष्कार भी नहीं कह सकते इसको हम, ये तो लापरवाही अधिकारियों की है। तो इसलिए अब बैठना हमारा संभव नहीं है, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, समय सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम होता है। तो ये लापरवाही है। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो ये ढिंगा मस्ती और जो लापरवाही है ये नहीं होनी चाहिए। आप निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति नहीं है, या तो ये कानून क्रियान्वयन नहीं करना चाहते और इस प्रकार की जो है दुआई देके। अरे आपने नवंबर में बैठक बुलाई थी, नवंबर में, जनवरी फरवरी मार्च आने को तैयार है, मैं समझ जाऊँ मार्च आने को तैयार है, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के अंदर इंच भर काम भी इस रुड़की के अंदर नहीं खिसका है। और आज आप देख रहे हैं लगातार बुद्ध बाजार के माध्यम से जो है वेंडर बैठा हुआ है वहाँ पर। तो ये हमारे इस कानून को बनवाने के लिए लगातार हमने बहुत संघर्ष किया है बहुत संघर्ष के बाद में ये कानून बनाए राज्य के अंदर। और ये कानून अब क्रियान्वयन करने के लिए मैं समझता हूँ एक आंदोलन हमें फिर और चलाना पड़ेगा। शहर के टाउन वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए टाउन वेंडिंग जोन चिन्हित किया जाए और वहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और जो नो वेंडिंग जोन लागू है पुलिस उसका सख्ती से अनुपालन करे। सर हरिद्वार से भी कुछ लोग आ रखे थे यहाँ पर जी, वेंडर समिति के अध्यक्ष भी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से नाराज़ होकर गए, क्या है उसका उनका मामला, नारेबाजी भी उन्होंने की यहाँ पर? देहरादून में मीटिंग में जाना था तो मीटिंग कुछ डिले हुई इसलिए वो नाराज हो गए थे, उनसे मेरी वार्ता हो गई है, वो संतुष्ट। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हम लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक लगभग एक साल पहले ही शुरुआत हुई जनवरी में और हमारा ये इसी उद्देश्य से होती है कि जो रुड़की शहर में जो वेंडिंग जोन है और वो नो वेंडिंग जोन है वो डिफाइन हो जाए। अब लगभग एक साल के उपरांत कम से कम कुछ नो वेंडिंग जोन डिफाइन हो गए हैं जहाँ पर हर जगह बोर्ड्स लग गए हैं और जहाँ पर पुलिस के द्वारा कंप्लाइंस भी किया जा रहा है, नगर निगम की टीम भी निरंतर लगी हुई है। अब वेंडिंग जोन्स को बनाने के लिए और उनको ठीक तरीके से संचालन करने के लिए आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें हमने कुछ डिसीजन लिए। उस चीज़ की मुझे सूचना नहीं है, मेरे को जब कॉल आया था कि वेंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स आ गए हैं तो वेंडिंग कमेटी की बैठक हिसाब से शुरू हो गई।